हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको अलवर की लाल डिग्गी। हाँ दोस्तों, लाल डिग्गी जो कि आपने नाम सुना होगा और बहुत लोग जानते भी होंगे, तो पुराने लोग वो जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं आज आपको दिखा दूंगा। ये लगभग 300 से 400 साल पुरानी बताई जाती है अलवर की लाल डिग्गी। और पहले पिछली वीडियो में हमने जब इसको एक्सप्लोर किया था तब इसमें पानी नहीं था, बाकी अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसके अंदर पानी है। तो अभी आपको अलवर की लाल डिग्गी दिखाएंगे और किस प्रकार से ये बनी हुई है पूरी दिखाएंगे। और उसके बाद रेनोवेशन भी हो चुका है इसका 1.5-2 साल पहले, तो ये काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी इसके अंदर पानी भी आ चुका है तो वो पानी वगैरह पूरा दिखाएंगे। बाकी इसके अंदर सीली शेड से पानी आता है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। बैक से आप ये देख सकते हैं, ये है अलवर की लाल डिग्गी। उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये बस स्टैंड के पास ही पड़ती है। अगर आप ज्योतिराव सर्किल से आओगे तो ज्योतिराव सर्किल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो घोड़ा फेर चौराहा है, घोड़ा फेर जो सर्किल है उसके पास में ही बनी हुई है ये, तो आप आ सकते हैं इसको देखने के लिए। ये है दोस्तों लाल डिग्गी अलवर की, और काफ़ी चारों तरफ इसके गार्डन बना हुआ है, ये देखिए। और जब मैं पिछली बार आया था इधर तो काफ़ी लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे। अभी ये भर चुकी है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर आता है सीली शेड से पानी, वहाँ पे नाले टाइप में बना हुआ है, वहाँ से पानी आता है। तो वो थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये नाला है इस टाइप में, तो ये पूरा पानी सीली शेड से आता है, देखो। और इसके चारों तरफ आप देखोगे ना दोस्तों, तो चारों तरफ इसके छतरियाँ बनी हुई है। और कॉर्नर में आप देखोगे, कोने में, तो एक श्याम जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे, देखो। और अभी हम उधर भी दिखाएंगे आपको पास जाके, जहाँ से ये पानी एंटर होता है और ये पूरा पानी आता है सीली शेड से, देखो। और पीछे आपको अरावली पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे बैठने के लिए देखो, ये छतरियाँ वगैरह बनाई गई हैं, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए। और दोस्तों बताते हैं, इसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को पानी की समस्या थी अलवर में, तो उसी को लेकर इसको बनवाया गया था, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको दिखाई दे रही है, अभी इसके अंदर पानी है। पिछली बार जब हम आए थे तो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे काफ़ी। और ये इसका बीच में सेंटर बना हुआ है, और इसमें पानी की मात्रा भी लिखी हुई है, 8 फुट 9 फुट 10 फुट 11 फुट, और ये पूरा 15 फुट तक है, देखो। और उसके बाद भी यहाँ पर ये नोक टाइप में बनाई गई है, देखो, ये देखिए। और उधर होता है, उधर से पानी एंट्रेंस होता है, ये पूरी लाल डिग्गी है। और मेन रोड है इसके पास में ही, और आगे आप देखोगे लोकेशन तो वहाँ घोड़ा फेर सर्किल है। तो दोस्तों ऐसा भी बताते हैं कि पुराने समय में यहाँ पर जब राजा महाराजा का घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था घोड़ा फेर के पास में, तो प्रताप स्कूल है उसके पास में हुआ करता था, तो तभी यहाँ पर घोड़ों के पानी पीने के लिए ये बनाया गया था। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं यहाँ पर कि घोड़ों के पानी पीने के लिए इसे बनाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अलवर के लोगों को पानी की समस्या थी, पेयजल समस्या, तो उसी को लेकर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें लोग नहाने धोने के लिए आया करते थे, पानी वानी पीने के लिए, आप देख सकते हैं। पुराने लोग हैं वो बताते हैं ऐसा। और कुछ चारों तरफ से कुछ इस प्रकार की यह लाल डिग्गी देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है अभी बारिश के मौसम में यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ से भी आप इसका नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है यहाँ से लाल डिग्गी। अगर आपने लाल डिग्गी नहीं देखी है तो आप आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। बाकी मैंने पहले नाम ही सुना था इसका, बाकी पिछली बार देख ली थी मैंने इसको, देखा था, ये देखिए। अभी हम उस छोर पे चल रहे हैं, वहाँ पे इसका जो पानी का एंट्रेंस है जहाँ से पानी प्रवेश होता है, तो वो दिखाएंगे हम आप लोगों को। बाकी ये इसका बीच में सेंटर बना हुआ है, और काफ़ी बड़े आकार में ये लाल डिग्गी फैली हुई है, देखो, ये देखिए। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैला रखी है लोगों ने, काफ़ी पोलोथीन वगैरह इसके अंदर पड़ी हुई है, और नाले में भी काफ़ी ज़्यादा पोलीथीन होंगी तो उस वजह से यहाँ पर बहके आई होंगी। बाकी ये पूरा पानी भर चुका है लाल डिग्गी में, देखिए। और ये है इसका एंट्रेंस, यहाँ से होकर पानी आता है, देखो, इसमें ये पूरा एंट्रेंस बना हुआ है इसका पानी का। और ऊपर से भी हम आपको दिखाएंगे, अगर ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा होगा तो। बाकी यहाँ से पानी एंटर होता है इसके अंदर, और ये है पूरी लाल डिग्गी, देखो, कुछ इस प्रकार की है, आप आ सकते हैं इसे भी देखने के लिए। और अभी कृष्ण कुंड और हाथी कुंड में भी काफ़ी पानी आ चुका है बारिश के कारण,
और लगभग रोज़ रोज़ ही बारिश हो रही है, तो ये भर जाएगा। अभी तो इसके अंदर 1-2 फुट पानी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो ये देखिए, और चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं। तो लोकेशन यही है इसकी, घोड़ा फेर के पास और ज्योतिराव सर्किल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये इसका एंट्रेंस है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें होके पानी आता है। बाकी ऊपर से भी हम आपको दिखाएंगे, पिछली बार भी हमने दिखाई थी बट इसमें पानी नहीं था उस टाइम। ये देखिए यहाँ से होके आता है पानी, देखो इस नाले में से होके आता है। ये पूरा सिलिसेट झील से आ रहा है देखो, और इसके अंदर सिलिसेट झील से पानी आता है। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिलिसेट झील, तो वहीं से पानी आता है। ये देखिए पूरा नाला बना हुआ है, पीछे से पानी आता है। ये पूरी लाल डिग्गी है, ये देखिए कुछ इस प्रकार की लाल डिग्गी है देखो। और कुछ डिटेल्स भी हमने बताई आपको यहाँ पे कि लोग नहाने धोने के लिए भी आया करते थे, और उसके अलावा लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो राजा महाराजा हैं उनका अस्तबल हुआ करता था घोड़ा फेर सर्किल के पास में, तो वो पानी वानी पीने के लिए ये बनाया गया था उस समय में, देखो घोड़ों के पानी पीने के लिए। तो दोस्तों ये लाल डिग्गी है लगभग 300 से 400 साल पुरानी। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।